गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इंग्लिश का पीरियड स्टार्ट हो चुका है। आज हम लेसन 3 रीड करेंगे। द डॉग्स टेल। टेल क्या होती है? पूंछ। डॉग कुत्ता, कुत्ते की पूंछ। लेट्स स्टार्ट। देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। एक विलेज में, एक गांव में एक फार्मर रहता था। फार्मर क्या होता है? किसान। ही वॉज वेरी लेजी। ही हेटेड एंड काइंड ऑफ वर्क। वो बहुत ही आलसी था और वो हर तरीके के काम से जी चुराता था। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू स्लीप। वो हमेशा ही सोना चाहता था। ही वुड ऑफन से। वो अक्सर कहता था, आई विश आई हैड अ जीनी, कि काश मेरे पास एक जीनी होता, एज अ सर्वेंट, जो मेरा नौकर होता। ही कुड डू ऑल माई वर्क, और वो सारे मेरे काम कर देता। लाउडली, किसान जोर से हंसा, हाउ फुलिस दिस जीनी इज। ये जीनी तो कितना बेवकूफ है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद को कहा, ही डजेंट नो हाउ मच वर्क आई विल गिव हिम। इसे नहीं पता मैं इसको कितना सारा काम दूंगा। ही विल गेट नो टाइम टू रेस्ट और स्लीप। इसको तो सोने और आराम करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। देन ही सेड टू जीनी, उसने जीनी से कहा, ऑल राइट, यू विल ऑलवेज हैव वर्क टू डू। तुम्हें, अरे मैं तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ काम देता रहूँगा। गो टू माई फील्ड एंड डिग अ वेल फॉर मी। मेरे खेत पर जाओ और एक कुआं खोदो मेरे लिए। दैट इज योर फर्स्ट टास्क, कि ये तुम्हारा पहला काम है। द जीनी वेंट अवे टू डिग द वेल। जीनी खेत में चला गया कुआं खोदने के लिए। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी। फार्मर बहुत खुश था। ही सेड टू हिमसेल्फ, इट इज नॉट ईजी टू। वन डे अ जीनी हियर्ड द फार्मर्स टॉक लाइक दिस। एक दिन एक जीनी ने फार्मर को ऐसा कहते हुए सुन लिया। ही अपियर्ड बिफोर द फार्मर, और वो फार्मर के सामने आ गया। द जीनी लुकड वेरी बिग एंड स्ट्रोंग। जीनी बहुत बड़ा और स्ट्रोंग, ताकतवर था। ही सेड टू द फार्मर, उसने फार्मर से कहा, मास्टर आई विल डू ऑल योर वर्क, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। आई शैल आस्क फॉर नो वेज, बट देयर इज वन कंडीशन, मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है मेरी। यू मस्ट ऑलवेज गिव मी वर्क टू डू, आपको मुझे हमेशा काम दिए रखना होगा। व्हेन यू हैव नो वर्क टू गिव मी, जब आप मुझे कोई काम नहीं देंगे, आई विल किल यू एंड ईट योर फ्लैश, मैं आपको मार दूंगा और आपको खा जाऊंगा।